तो जिस होटल में हम रुके हुए थे उसका नाम था होटल मणिकंदन। एक्चुअली मैं यहाँ पर खाना खाने के लिए आया था रात में, और मैंने देखा कि यहाँ पर लॉजिंग भी है तो मैं यहीं रुक गया था, क्योंकि रात में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। हालांकि अभी भी मौसम वैसा ही है, बारिश वाला ही है। यहाँ से सातारा 77 किलोमीटर है और पुणे 200 किलोमीटर के आसपास है जहाँ मुझे जाना है KTM सर्विस सेंटर। अभी यार थोड़ा मौसम बहुत सही था, मैंने ये सब कवर वगैरह निकाल दिया, मैंने सोचा बारिश नहीं होगी। जैसे ही सतारा पहुंचने वाले हैं हम, वैसे ही बारिश ने दे दी है दस्तक। पुणे यहाँ से अब है 90 किलोमीटर, जहाँ हमें जाना दैट इज़ 102 किलोमीटर, पर समय पता नहीं क्यों 2 घंटे 20 मिनट बता रहा है। मतलब इतना भी क्या, किधर ट्रैफिक है भाई, पुणे में ही ट्रैफिक है वैसे। यार बारिश तो बहुत ज़्यादा ही होने लग गई, मुझे लगा आप बारिश गोवा तक छोड़ आएंगे, ये तो पुणे में भी आ गया, मुंबई में भी आ गया। पहली बार मैं महाराष्ट्र में पेट्रोल ले रहा हूँ। मैंने हमेशा सुना है कि यहाँ बहुत महंगा पेट्रोल मिलता है यार, 106 रुपये, सस्ता ही है यार ये तो, फुल करना है। जैसे जैसे पुणे पास आ रहा है, मैं सोच रहा था बारिश कम होगी, बारिश और बढ़ रही है, बारिश बहुत तेज़ हो गई है, बहुत ज़्यादा। मेरे जूते जितने सूखे थे उतने ज़्यादा गीले हो गए। अब मैप नहीं लगा पा रहा हूँ मैं यहाँ से, जो मेरा सर्विस सेंटर है वो होगा कुछ 30 किलोमीटर। तो यहाँ बगल में बिल्डिंग्स देख के आपको अंदाज़ा तो लग गया होगा कि हम पुणे लगभग पहुँच गए हैं। मैंने यार 200 किलोमीटर लगातार ही चला लिया। मैंने सोचा था बीच में रुक के कहीं ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेंगे, पर मन ही नहीं हुआ ब्रेकफास्ट करने का। अभी मन में पूरा दिमाग में यही चल रहा है कि बाइक को जाके सही कराना है, बाइक के प्रॉब्लम को एनालाइज करना है कि क्या हुआ है। पुणे शहर में एंट्री होने से पहले जाम लग गया। ओ भाई ये कौन सा रास्ता, बस कोई गाड़ी ना आए। भाई बहुत खराब स्थिति है इधर तो। तो इसके बाद माइक ने काम करना बंद कर दिया और मैं चला गया KTM पुणे फुगेवाड़ी। वहाँ पर जाने के बाद मैंने अपनी बाइक उनको दे दी, उनको सारी समस्याओं के बारे में बताया। उन्होंने बोला कि आपका स्पार्क प्लग चेंज होगा, स्पार्क प्लग वगैरह सब कुछ चेंज किया, कुछ कुछ काम किया, और उसके बाद उन्होंने ये एज्योर किया कि अब आपकी बाइक परफेक्ट तरीके से सही हो गई है। तो यार यहाँ पर मैंने बाइक दे दी है अपनी, और अपनी बाइक की जितनी भी प्रॉब्लम्स है सब कुछ समझा दिया है मैंने कि यार क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं उसमें। बाकी अभी ये कह रहे हैं कि अभी पता नहीं आज दे पाएंगे कि नहीं, देखते हैं। और हमारे यहाँ पे एक भैया भी रहते हैं, उनका नाम है विष्णु। आपने अगर हमारे सिक्किम की फर्स्ट राइड देखी होगी जिसमें मैं, विशेष और विष्णु भाई गए थे, तो वो पुणे में ही रहते हैं। तो मैंने कहा उनको कि जी मैं यहाँ पर हूँ, उन्होंने बोला चलो ठीक है हम आते हैं मिलने के लिए, और बारिश हो रही है तो मैं बस सोच रहा हूँ वो गाड़ी से आए और हम लोग फिर खाना खाने जाएं। मैंने सुबह से खाना नहीं खाया था यार, कल मैंने कहा था कि बाइक सर्विस देकर ही खाना खाऊंगा, वो रूल आज अपनाया है मैंने। तो ये रहे हमारे साथ विष्णु भाई। विष्णु भाई के साथ हमने सबसे पहले राइड की थी स्पीति की 2019 में, और उस टाइम ये निशांत भाई के सब्सक्राइबर थे, और मैंने इनको देख के बोला था आपको देख के एक अच्छा जो चीज़ मुझे लगा है वो ये है कि आपकी बाइक में BR01 नंबर है। तो ये बिहार से हैं, पटना से हैं और पुणे में रहते हैं, और हमारे इस चैनल पे जो हमारी राइड हुई थी वो हुई थी 2020 दिसंबर, मैं, विशेष और विष्णु भाई। बहुत मतलब बहुत पुरानी राइड है लेकिन बहुत मज़ा आया था, क्योंकि हमने सिक्किम को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया था, नॉर्थ और ईस्ट, काफ़ी एडवेंचर किए थे, मैगी बनाए थे बर्फ से मैगी बनाई थी हमने, आपको अगर याद हो, नहीं हो तो आप देखना ज़रूर। विष्णु भाई एक बार गिरे भी थे। पता नहीं इनका जोश आया था। तो ये सारी पुरानी बातें हम लोग कर रहे हैं अभी, और जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं, और कल ऐसे बोल दिए थे वीडियो पे कि जब तक मेरी बाइक सर्विस नहीं होगी खाना नहीं खाएंगे। तो बाइक अभी सर्विस हो रही है और हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए। One eternity later. तो भाई सर्विस वगैरह सब कुछ हो गई है, सर्विस हो गया है, कूलेंट फिल हो गया है, इंजन ऑयल चेंज हो गया है,
जो प्रॉब्लम थी इसमें, वो प्रॉब्लम वो बता रहे थे कि स्पार्क प्लग की थी। स्पार्क प्लग, यार मुझे याद है कि मैंने जब थ्रॉटल बॉडी क्लीन कराया था तो स्पार्क प्लग भी चेंज हुआ था, आई एम नॉट श्योर, लेकिन स्पार्क प्लग वो कह रहे थे ख़राब हो गया, तो वो चेंज हो गया, अब शायद वो प्रॉब्लम ना आए। ये भी ठीक हो गया। बाकी इनके पास बहुत सारे पार्ट्स नहीं थे यार, इनके पास नीचे वाला स्क्रू नहीं था, इनके पास ब्रेक पैड्स नहीं थे। मुझे लगा पुणे का जो सर्विस सेंटर है, क्योंकि पुणे में KTM बनती है, तो शायद सब कुछ होगा, पर सब कुछ नहीं था। ये नेक्स्ट डे है, मैं निकलने को तैयार हूँ। एंड आज हमारा प्लान था पुणे से मुंबई जाने का, लेकिन हम यहाँ से डायरेक्ट मुंबई नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं पहले यहाँ से एक वैली है तामिनी घाट, तो हम पहले तामिनी घाट जाएंगे एंड देन फिर वहाँ से मुंबई जाएंगे। मौसम यार देखो, थोड़ा कभी कभी ऐसे बारिश हो रही है, अभी थोड़ा पीछे बारिश हो रही है। ये देखो यार, मौसम कभी खुल रहा है, कभी बारिश हो रही है, जो भी हो जैसा भी हो, अपनी राइड तो स्टार्ट हो गई। तो आज की राइड की शुरुआत करते हैं अपने महादेव के नाम के साथ, भोलेनाथ सबके साथ, हर हर महादेव। बहुत दिन हो गया यार, आपने कमेंट में लिखा नहीं है भोलेनाथ सबके साथ। आज प्लीज़ जो जो बंदा ऐसे दिल से मानता है ना कि हाँ भोलेनाथ सच में सबके साथ, कमेंट पे ज़रूर लिख देना भोलेनाथ सबके साथ। तो यार ये है तामिनी घाट, और यहाँ पर मैंने अपनी बाइक अभी थोड़ी देर के लिए खड़ी कर दी है। उसका रीज़न ये है कि मुझे यहाँ का ड्रोन शॉट चाहिए, और बारिश हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले बारिश नहीं हो रही थी, तो हम एक्सपेक्टिंग कि 10-15 मिनट में शायद बारिश ख़त्म हो जाए, और जब बारिश ख़त्म हो जाएगी हम ड्रोन शॉट लेके निकल जाएंगे। बाकी मैं यहाँ पर अकेला राइड नहीं कर रहा हूँ, मेरे साथ आकाश भाई हैं। आकाश भाई पुणे से ही हैं और ये राइड कर रहे हैं रॉयल एनफील्ड की स्क्रैम 411। और भाई मज़ा आ रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लगा आपके साथ मिलकर राइड करके। चलो बस फील आ रहा है। हम वेट कर रहे हैं कि बारिश रुक जाए। तो मेरा कैलकुलेशन सही था, उधर मौसम लगभग खुल गया है, थोड़ा इधर भी खुल जाए, थोड़ी बारिश रुक जाए, फिर हम बढ़िया ड्रोन शॉट लेंगे। यार मस्त पहाड़ों से ना ऐसे नीचे नीचे कहीं कहीं ऐसे झरने गिर रहे हैं, बहुत ऐसा खूबसूरत सा लग रहा है। और बीच में ये मुलशी नदी है ना, मुलशी नदी। यार कैलकुलेशन तो अपना सही था, उधर देखो बिल्कुल बारिश नहीं हो रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया, इधर से बारिश आने लग गया, कहीं से उधर नहीं हो रहा है, बस यहीं पे हो रहा है। अब ऐसा मैं यहीं उड़ाऊँ, यहीं पे भीग जाए, उधर भी पूरा क्लियर हो गया, बस यहीं पे हो रहा है। अब नहीं होगा तो खाली हाथ जाना पड़ेगा। तो यार चलते चलते हमने एक स्टॉप लिया है, ये जगह है वारक, और यहाँ पे हमें एक ढाबा मिला, हमने सोचा चलो यार थोड़ा चाय पीते हैं। और मुंबई महाराष्ट्र कह लो, उसमें एक चीज़ आपको देखने को ज़रूर मिलेगा, उसका नाम है वड़ा पाव। तो वड़ा पाव या बड़ा पाव? वड़ा पाव। वड़ा पाव, हाँ। तो वड़ा पाव यहाँ पे अवेलेबल था, हमने कहा यार अभी तक तो इस राइड पे वड़ा पाव ट्राई नहीं किया, अभी यहाँ पे ट्राई करेंगे वड़ा पाव। हालांकि हमने एक एक चाय निपटा दिया, इधर मैं भी हूँ, इधर आकाश, इधर आकाश भाई भी हैं, चाय निपटा दिया। चाय बहुत अच्छी थी, हमने कहा एक और चाय पियेंगे और वड़ा पाव। तो ये है अपना वड़ा पाव, मैंने एक बार ही मुंबई में खाया था, उन्होंने ऐसे खुद से डाल वाल के दिया था बना बना के। कैसे बनाते हैं बनावा? अच्छा, ऐसे करते हैं। हाँ, इसके अंदर वड़ा डालें। अच्छा, ऐसा नहीं लग रहा फूड ब्लॉग बन रहा है। इसके अंदर थोड़ा सा ये डालो, डालेंगे ऊपर से। ये चटनी नहीं है भाई, दिस इज नॉट चटनी। ओके, हमारे यहाँ मतलब महाराष्ट्र में इसको चटनी ही बोलते हैं। अच्छा, अगर प्याज चाहिए हाँ तो ऐसे बर्गर की तरह प्लेस कर दो उसे। अच्छा, मतलब ओवरऑल बर्गर ही है। हाँ, इंडियन बर्गर कह सकते हैं। हाँ, तो ये अपना वड़ा पाव रेडी है, और मुझे ऐसा लग रहा था इसके अंदर से चटनी वटनी भी डालते हैं, शायद पुदीने की चटनी डालते हैं, हर एक का अपना अपना। अब बन गया हूँ मैं प्रो, इसको बीच से ऐसे तोड़ा, इसके अंदर इसको वड़ा बोलेंगे ना। हाँ, वड़ा बोलेंगे। ये पाव, ये बन गया वड़ा पाव, इसमें थोड़ा सा सो कॉल्ड चटनी डाला, और इधर है अपना चाय।
जब आए थे तब भी बारिश हो रही थी, जब जा रहे हैं तब भी बारिश हो रही है। बारिश मिलेगी ये तो पता था, इतनी ज़्यादा बारिश मिलेगी, बारिश के साथ ऐसे तेज़ हवा भी रहेगी, ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं था यार। बहुत प्यारी वैली है यार तामिनी घाट। महाराष्ट्र में बहुत सारे ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर जगह हैं, मलसेज घाट, महाबलेश्वर। कभी ऐसे मस्त टाइम निकाल के डेडिकेटेड महाराष्ट्र राइड करूँगा मैं। तो ये रास्ता यहाँ से जा रहा है कुंडलिका घाट, और फिर उधर से ही ऐसा ही रास्ता है, वो रास्ता जाएगा लोनावला। ये पूरा ऐसे पीछे घूम के जाने से अच्छा है उधर से ही लोनावला चला जाऊँ मैं। हालांकि रोड ऐसे ही मिलेंगे, पर कोई बात नहीं, मैनेज हो जाएगा यार। ओ भाई क्या मस्त फॉग है यार। ओ यही तो टाइम है जब राइड मोड को चेंज करना है, ऑफ रोड थोड़ा पिकअप आ गया है। मेरे ख्याल से ट्रैक्शन ऑफ हो गया है और थोड़ा बाइक में पावर बढ़ गया है। हाँ पावर बढ़ गया है। अगर आप रुकना चाहते हो यार, बारिश तो इधर बहुत ज़्यादा हो रही है। और ये हम पहुँच गए हैं कुंडलिका वैली, यहाँ से पूरी वैली दिखती है लेकिन अभी नहीं दिखेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा ही फॉग है। यही रास्ता जाता है लोनावला को, यहाँ से कितना होगा 30 to 40 किलोमीटर, 30 to 40 किलोमीटर, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। रोड ऐसा ही मिलेगा अपने को, नेटवर्क वगैरह नहीं है। तो यार बढ़िया, देखो सब कुछ मिल रहा है आज, वाटर क्रॉसिंग में मिल रहा है। चलो भाई पहले मैं जाऊँ पहले तुम जाओगे? हाँ मुझे वीडियो बन जाएगा। जाओ आराम से। अरे नहीं आराम से आराम से, कुछ नहीं है, ज़्यादा पानी नहीं है, ज़्यादा पानी है, बहुत ज़्यादा पानी है। अच्छा मुझे लगा ऐसे ही है, पानी है यार। चलो ठीक है, हर हर महादेव, बस बाइक बंद नहीं होने देना है। ओ बेटे पानी तो बहुत ज़्यादा है भाई, हम तो हल्के में ले रहे थे, पानी तो बहुत ज़्यादा था। हाँ पानी बहुत ज़्यादा था। तो ये जो रास्ता है ये बहुत कम ही लोग आते हैं, और यहाँ पे आप देखो बहुत सारी गाड़ियाँ हैं क्योंकि यहाँ से कोई ट्रैकिंग पॉइंट है, यहाँ से लोग ऊपर ट्रैक करके जाते हैं जिसका नाम है आंधरवन स्टार्टिंग पॉइंट पिंपरी। तो यहाँ से लोग जाते हैं बेसिकली ट्रैक करके। ये रास्ता बहुत ही ऐसा, मतलब बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं है। मैंने गूगल मैप पे देखा था, मैंने पूछा आकाश भाई के यार ये रास्ता किधर का है, कैसे जाएंगे इधर से, तो उनको भी आइडिया नहीं था। बाकी रास्ता तो मस्त है यार। अभी थोड़ी देर के लिए हम रुके थे जब बारिश भी रुकी थी, मौसम भी खुला था, तो हमने ड्रोन शॉट्स निकाले और अब वापस से चल पड़े हैं, तो बारिश भी चल पड़ी। प्रॉपर ऐसे ट्रेल है यार, ऑफ रोड ट्रेल, मतलब किसी को ऐसे 50-60 किलोमीटर का ऑफ रोड करना है पुणे से लोनावला, फिर लोनावला में अच्छे रोड मिल जाएंगे, फिर वहाँ से वापस आ जाओ। मेरे ख्याल से पुणे के आसपास वालों को तो पता होगा इसका। अभी यहाँ पे एक ऐसा सीन हो गया कि दो रास्ते जा रहे हैं, एक इधर को एक इधर को। भाई इधर को, इधर को। हाँ ऐसा लग रहा है कि
ऑलवेज राइट। नहीं 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 नहीं, ये मैंने मैप पे देखा था, ये इधर था। पक्का? हाँ पक्का पक्का, ये शायद पक्का। इधर को भाई, इधर को। हाँ देखो, मेरे ख्याल से तो इधर ही है, मुझे तो लग रहा है यही है। आय हाय हाय, क्या बारिश हो रही है यार। आय हाय भाई, यार देखो क्या पूरे खेत में पानी वानी, बढ़िया एकदम। क्या बढ़िया यार, पहाड़ों के बीच में ऐसे ग्राउंड आ रहे हैं देखो, और ग्राउंड के जस्ट उस साइड लेक है। ये तो बहुत अमेजिंग जर्नी हो गई पुणे से महाराष्ट्र मुंबई की। जनरली लोग पुणे, लोनावला और मुंबई दो ढाई तीन घंटे में कर लेते हैं, भले हमें टाइम ज़्यादा लगा लेकिन यार वर्थ इट। ये देखो यार सामने कहाँ कहाँ से वाटरफॉल गिर रहा है, वहाँ से, इधर से, इधर से। ये सब मुझे लगता है मॉनसून में ही पॉसिबल है। क्या बात है, क्या बात है, क्या अमेजिंग यार। और ये रास्ता कितना खूबसूरत है भाई, देखो कितना ग्रीन है, ये एकदम पैरेट ग्रीन है भाई। मज़ा आ गया आज। ओहो हो, क्या बढ़िया लग रहा है यार। देखो एक वाटरफॉल यहाँ भी है, उधर से ही कोई पानी आ रहा होगा जो इधर से जा रहा है ऊपर से। क्या बात, क्या बढ़िया। बारिश धीरे धीरे गिर रही है और फॉग उसको एकदम खींचे चला जा रहा है, हवा जो है उसको खींचे चला जा रहा है। देखो बारिश गिरते हुए दिख रहा है भाई, इधर कुछ भी नहीं है, इधर पूरा साफ है मामला, इधर बारिश हो रही है। देखो वहाँ बीच में खाली है, बीच में खाली हो गया, फिर इधर बारिश है। यार इस जगह की खूबसूरती दिखाने के लिए मैंने बहुत रिस्क लिया आज बारिश में ड्रोन उड़ा के, मतलब 120,000 रुपये का रिस्क है वो, बस इसलिए कि इस जगह को जस्टिफाई कर पाऊँ। और आप लोग जो अपना कीमती टाइम देते हो मुझे वीडियो देखने के लिए, तो उस चीज़ को भी जस्टिस दे पाऊँ कि हाँ यार आपने अगर मेरे वीडियोस को आज देखने के लिए टाइम निकाला है, अपना इंटरनेट खर्च करके, अपना टाइम खर्च करके, तो आपको ऐसे निराश ना करूं। तो इस मेहनत के लिए यार प्लीज़, अगर आपने लाइक नहीं किया वीडियो को तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, मुझे थोड़ा ऐसा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ चलो यार मैं जिसके लिए इतना सोचता हूँ वो हमारे लिए ऐसे एफर्ट भी कर रहे हैं, लाइक वाइक कर रहे हैं। तो अब यार बारिश भी तेज़ हो गई है, रास्ते भी ख़राब हो गए, और रास्ते तो कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गए। ऐसे रास्तों पे आप कभी भी ब्रेक का यूज़ मत करो, इंजन ब्रेकिंग हमेशा यूज़ करो। टाइम हो चुका है 4:45, 4:45, 5:15 बाकी है, और इधर तो भाई कंप्लीट ऐसे फॉग आ गया है और बारिश भी हो रही है बहुत तेज़। और अगर मेरा कैलकुलेशन सही है तो अभी यहाँ से करीब 35-40 किलोमीटर है लोनावला। तो अभी यार इतनी मस्त ऑफ रोडिंग करने के बाद, भाई बहुत ज़बरदस्त ऑफ रोडिंग थी यार, और बहुत दिनों के बाद मैंने ऐसे अपनी बाइक को दौड़ाई है, और आज मैंने ऐसे बाइक का पावर फील किया है ऑफ रोड मोड में। KTM ने बहुत अच्छा काम किया है दो मोड देके, और अब तो यहाँ लोग भी दिखने लगे हैं, पहले तो कोई नहीं दिख रहा था। इनफैक्ट पीछे दो लोग मिले, मैंने उनसे पूछा भी कि लोनावला का रास्ता कौन सा है, तो उन्होंने बोला यही। उन्होंने ये भी पूछा कहाँ से आ रहे हो, मैंने कहा पुणे से। कहते पुणे से, उधर का रोड तो बहुत ख़राब है। मैंने कहा बस भाई मज़े लेने गए थे। तो अब यहाँ से ये कह रहे हैं कि यहाँ से 20-25 किलोमीटर है लोनावला, और यहाँ से कुछ दूर के बाद
उनके लैंग्वेज में स्टार रोड आ जाएगा। अब हम वैली से नीचे उतर रहे हैं भाई, तो मौसम फिर से खुल गया, ये पहाड़ अब अच्छे से दिखने लगे हैं। पीछे तो बहुत ज़्यादा ही फॉग था, और ये जो गाड़ी जा रही है इसी पे वो दो बंदे बैठे हुए थे जो शायद ये इंस्पेक्शन करने आए थे या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के थे, उन्होंने ही हमें गाइड किया। और बढ़िया यार, यहाँ तो घर वर भी है भाई। मुंबई का रोहतांग पास आ गया। ये कोई एक पॉइंट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ही कोहरा है। रोहतांग पास मैंने इसीलिए बोला क्योंकि मनाली से जब आप रोहतांग पास चढ़ते हो तो ऊपर ऐसे ही मौसम होता है, ऐसी बारिश भी हो रही होती है हल्की हल्की। हम लोनावला पहुंचने ही वाले हैं, लोनावला के लिए ही उतराई चल रही है और बहुत ज़्यादा ही बारिश हो रही है यार। रोड भी ऐसा थोड़ा ख़राब है ये वाला, और पूरा ये हेयर पिन बेंड टाइप है क्या। सो वी हैव रीच्ड लोनावला। वहाँ आप देख रहे हो एक वाटरफॉल है, एक इधर वाटरफॉल है, और ये है लोनावला लेक। हालांकि अभी यहाँ पे पीछे बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और टाइम भी हो गया है, कितना टाइम हो गया है 5:15। सो इट्स बेटर कि हम लोग यहाँ से निकले क्योंकि मुझे मुंबई जाना है, भाई को पुणे जाना है, पर कुछ खाते हैं आगे रुकते। अच्छा, आगे किसी ढाबे पे रुकते हैं। तो हम आ गए हैं, ये है लोनावला। और यार आज की राइड ना पुणे से लोनावला जनरली 1 घंटे में लोग करते हैं, हमने 5-6 घंटे में किया। 5-6 घंटे में किया, एक तो पूरा एंजॉय करते हुए और एक मस्त वैली जो भाई को भी नहीं पता था। है भाई? नहीं, वैली के बारे में पता था, उसके आगे के बारे में। हाँ, वो रास्ते के बारे में पता नहीं था। तो बहुत ही अमेजिंग था यार, आपने भी एंजॉय किया होगा डैम श्योर। आपका कैसा एक्सपीरियंस था? मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब मैंने कभी इतने लॉन्ग राइड नहीं की, स्पेशली इन पुणे एक्चुअली। और भाई के साथ कोई एक्सपीरियंस राइडर साथ में हो तो राइड करने में और ही ज़्यादा मज़ा आता है। बाइक को पूरा यूज़ किया? बाइक को आज यूज़ नहीं किया, आज बाइक को घसीटा है पूरा। मतलब 25 किलोमीटर हमने ऑफ रोडिंग किया आज, आई गेस। बहुत ही गजब पैच था यार आज, मैंने भी बहुत दबा के ऑफ रोडिंग की। खैर, यहाँ पर हमने ऑर्डर किया है अभी रवा मसाला डोसा, ओनियन रवा मसाला डोसा, और भाई ने किया उत्तपम। हम चाह रहे थे कुछ पनीर वनीर खाने का, लेकिन था ही नहीं अवेलेबल। तो ये है हमारा अनियन रवा मसाला डोसा और ये है उत्तपम। खा के बताओ भाई। टेस्टी। तो हमने बढ़िया डोसा वगैरह सब कुछ खा लिया है, और इतने देर से बारिश नहीं हो रही थी, जैसे ही अपने निकलने का टाइम आया बारिश। वो अंकल थे वो ढोलक बजा रहे थे, मैंने कहा अंकल बारिश बुला रहे हैं शायद। हाँ, अभी भाई चले जाएंगे इधर से पुणे, और मैं चला जाऊंगा यहाँ से मुंबई। चलो भाई, फिर बहुत जल्द मिलते हैं। आपने रिंग पहनी है ना, इसीलिए धीरे मारा। चलो ठीक है, निकलता हूँ मैं, बाय बाय। भाई बहुत ज़्यादा ही बारिश हो रही है अभी, तो पूरे दिन की सबसे ज़्यादा बारिश अभी ही हो रही है। बस मुझे लगता है, आई होप कि जब मैं ऐसे हाईवे पर पहुँच जाऊँ तब इतनी बारिश ना हो। ये तो चलो अभी पहाड़ी रीजन है तो शायद इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, बस नीचे बारिश ना हो यार, वरना 100 किलोमीटर भाई 500 किलोमीटर बन जाएगा। वैसे मुझे याद है कि जब मैं निखिल भाई की वीडियोस देखता था, जब वो मुंबई आते थे पुणे से, तो वो कहते थे कि भाई बहुत ज़्यादा ही ट्रक है, बहुत ट्रक है, ट्रक ये ट्रक वो। आज मैं ऐसा फील कर पा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ही ट्रक है यार। तो हम पहुँच चुके हैं पनवेल। अब कोई नहीं बोलेगा कि जल्दी कर यार, पनवेल निकलना है। मुंबई यहाँ से 58, गोवा 550, गोवा तो छोड़ के आ गए भाई। तो भाई फाइनली हम पहुँच गए मुंबई, सपनों की नगरी। और बैकग्राउंड देखकर आपको लग रहा होगा कि हम किसी होटल में तो ऑब्वियसली नहीं है, किसी के घर पे हैं। तो किसके घर पे हैं, उनसे मिलवाते हैं आपको एक बारी। तो ये है हमारे साथ शशांक भाई। नमस्कार नमस्कार देवियों एंड सज्जनों, हमारे साथ है शशांक शेखर सिंह, एक बारी फिर से आपका स्वागत करते हैं। तो आपको याद होगा कि शशांक भाई हमें मिले थे जब हम कश्मीर की तरफ निकले थे। कश्मीर में एक्चुअली पता है क्या हुआ उसमें, कश्मीर में हमने सबसे पहले धर्मशाला में टाइम स्पेंड किया, होली वहां पे मनाई। हाँ। उसके बाद फिर यासिर भाई के पास गए, यासिर भाई के साथ हम लोग करते हैं भाई, यासिर भाई कश्मीर में हमने बहुत सारी चीजें की। हम अठवतु गए थे, हम बंगस गए थे,
हम इधर उधर एक जगह अरुवेली गए थे, अरुवेली गए थे, पहलगाम गए थे, फिर चंदनवाड़ी गए थे। हाँ, चंदनवाड़ी। तो जो अठवतु वाली वीडियो सीरीज थी जब वहाँ पे हमने बहुत बढ़िया कैंपिंग की, इनफैक्ट एक बारी हमें अगुरेज जाने से रोका भी था। हाँ। ये सारी जो वीडियोस थी मेरे से करप्ट हो गई, करप्ट नहीं मेरे से डिलीट हो गई। मैं इतना बड़ा घोचू, मैंने गलती से उसको डिलीट कर दिया, तो वो वीडियोज मैं डाल नहीं पाया। बाकी वो वीडियोस इनके चैनल पर है। मेरा वन ऑफ द बेस्ट कैंपिंग है वो अठवतु वाला, बहुत सुंदर नज़ारे। एक दो क्लिप मैं बस इसका प्ले कर देता हूँ, आप बाकी पूरी वीडियो देखना है तो शशांक शेखर सिंह के गो राइडर्स चैनल पर आपको मिल जाएगा। बहुत मजा आया था ना भाई, मजा था, बहुत मजा। राइड भी मजेदार थी। और भाई साहब मेरे साथ क्या था ना कि मैं शुभम को फॉलो करता था, तो एक था कि शुभम से कब मुलाकात होगी। एक थे हमारे कोई थे, आप लोग किसी ब्लॉग में से आपने देखा ही होगा, कोई थे भाई साहब जिनके थ्रू मुलाकात हो गई, और ऐसी मुलाकात हो गई वो नहीं है लेकिन अपन है दोनों। और देखो आज मुंबई हम आए हैं भाई के साथ, हालांकि इससे पहले ये हमारे चैनल पर आए थे जब हम केदारनाथ जा रहे थे, लेकिन हम जब अभी रक्षाबंधन के टाइम मुंबई दिल्ली गए थे हैदराबाद से, तो भाई से मिले थे, भाई उस टाइम दिल्ली में थे, हम देखो यहाँ मिल रहे। तो गाइज आज के इस वीडियो में इतना, अभी फिलहाल हम दोनों भाई जा रहे हैं कुछ खाना खाने के लिए, लेकिन इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आप देखो अठवतु के छोटे छोटे क्लिप्स जो मेरे पास पड़े हुए हैं, जिसकी यादें हैं बस, पूरी वीडियो इनके चैनल पर। अरे आपको याद है वो बर्फबारी भी हो रही थी, हेल स्टॉर्म भी, अरे हाँ वो हुआ था ना, पूरा ओले जो गिर रहे थे भाई, बढ़िया वो अलग एक्सपीरियंस था भाई, देखना जरूर, जबरदस्त था।